Sir, please. मित्रों आज मुझे यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवेक्षक के रूप में ऑब्जर्वर के रूप में चुनाव प्रक्रिया अरुणाचल प्रदेश के विधायक दल के नेता के चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिला। मेरे साथ उपस्थित हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और वरिष्ठ नेता श्री राम माधव जी उपस्थित रहे। हमारे वरिष्ठ नेता और असम में मंत्री स्वास्थ्य और पीडब्ल्यूडी और हमारे नॉर्थ ईस्ट के पार्टी का कार्य देख रहे ऐसे हमारे हेमंत बिस्व शर्मा जी उपस्थित रहे। पार्टी के अध्यक्ष श्री तापिर गांव जी उपस्थित थे और पूरा विधान मंडल सारे 41 विधायक उसमें उपस्थित थे। सबकी उपस्थिति में सर्वसम्मति से चौनामन जी ने श्री प्रेमा खांडू जी का नाम प्रस्तावित किया। हमारे तीन वरिष्ठ विधायकों ने उसका समर्थन किया और उसके बाद ध्वनिमत से सब ने पारित किया और प्रेमा खांडू जी को अरुणाचल प्रदेश के विधायक मंडल का नेता चुन लिया गया और उसको उन्होंने हम लोगों ने उसको घोषणा की। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो दैट टुडे एज एन ऑब्जर्वर आई हैड कम as deputed by the Bhartiya Janata Party to elect the leader of the Arunachal Pradesh Legislative Assembly and with me Ram Madhav ji, our senior leader and the general secretary, was also present. Hemant Biswa Sarma ji was also present, who is the in charge of the Northeast and a senior minister of our Assam government. Our very dynamic president Shri Tapir Gaon was present and all the members of the newly elected Arunachal Pradesh Assembly of Bhartiya Janata Party Group, 41 MLAs, all were present. And first of all, Mr. Chonamin ji proposed the name of Pema Khandu, which was supported by three honorable senior members. And after that, everybody, all the members supported the proposal. And unanimously, we have elected Sri Pema Khandu ji to be the leader of the BJP group of Assam, Arunachal Pradesh Assembly, and we came here, we handed over the support letter to Honorable Governor Dr. B.D. Mishra ji, and he has also given us a letter giving the invitation to Pema Khandu ji to come and form the government. Pema Khandu ji ko ne wo patra jisme sarvasammati se unko neta niyukt kiya hai wo aaj राज्यपाल महोदय को लेटर दिया है और उन्होंने भी एक पत्र प्रेमा खांडू जी को दिया है और आमंत्रित किया है कि आप अरुणाचल प्रदेश की नई सरकार बनाने का शिरकत करें। आप सभी को जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लेजिस्लेटर्स पार्टी मीट की जो प्रोसीडिंग्स है वो हमारे ऑब्जर्वर बीजेपी के सीनियर लीडर श्री जे पी नड्डा साहब ने जो कहा, तो मैं सबसे पहले इस चुनाव को लेके ये कहना चाहूंगा कि मैं तो पहली बार अरुणाचल प्रदेश के हिस्ट्री में पूरे अरुणाचल प्रदेश में अपना पूरा फुल फ्लेजेड भारतीय जनता पार्टी का सरकार यहाँ पे गठन होने जा रहा है। साथ ही साथ पूरे हमारे दो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ईस्ट और वेस्ट को भी बहुत अच्छा विक्ट्री दे के यहाँ की जनताओं ने दिल्ली में भेजा है। तो मैं सबसे पहले अपने अरुणाचल प्रदेश के सभी जनताओं को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के डायनेमिक लीडरशिप के कारण से उन्होंने पिछले 5 साल में जो इस देश के लिए काम किया है उसका सपोर्ट में पूरे अरुणाचल में कमल का फूल खिलाया है और 2 सांसद यहां से चुन के भेजा है। तो मैं इसके लिए अपना जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और साथ ही साथ आने वाला दिनों में भी मैं आज अपने लेजिस्लेटर्स पार्टी मीटिंग में भी कहा कि असली चैलेंज तो अभी बाकी है। पूरे अपना पूरा प्रदेश के हमारे जितने भी जनता है काफी उम्मीद है इस सरकार से। तो मेरा ओर से हमारा पूरा कॉन्फिडेंट है कि आने वाला दिनों में मैं अपना प्रदेश को डेवलपमेंट के स्तर पर एक नया ऊंचाई में हम ले जा पाएंगे। थैंक यू।